तो हेलो दोस्तों, भाई नया टॉपिक आ चुका है। नए टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा। आज हम लोग 5.2 देखेंगे और बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी मैं खत्म करता हूँ। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो दो पार्ट आ चुके हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो देख लेना। और ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसे भी खत्म करते हैं। और टॉपिक वाइज वीडियो आएंगी, मैंने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, सीरीज आएंगी, ठीक है। कैसे कैसे आएगा सारा चीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट में इसलिए डिस्कस कर दिया, इसलिए फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। भाई हमने क्या देखा था यार, अभी तक सेल सारा देख लिया ना, सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल थ्योरी पढ़ ली, सेल क्या होता है, अलग अलग शेप के होते हैं कि नहीं होते, थोड़े बहुत सेल अपने देखे भी, ह्यूमन वाले और प्लांट वाले दोनों देखे। अब बात वो कर रहे हैं कि हमारा 5.2 टॉपिक में व्हाट आर द सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना होता है ना सेल। अब तुमने पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया था, हमने तीन चीज़ मिली थी, वही चीज़ इधर भी मिलने वाली है, वही टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं इधर। तो यार स्ट्रक्चर कैसे है हमारा सेल का, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, है ना। तो टॉपिक बहुत छोटा सा है, मैं जल्दी से बताता हूँ। तो यार मैं कभी भी कोई भी सेल देख रहा था ना, उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट देखने को मिल रहे थे, मतलब हर सेल में, बेबले में लिखा है ना इधर, स्पेशल कंपोनेंट इन ईच सेल। उसे हम लोग ने क्या कहा, उसे हमने सेल ऑर्गन्स कहा। अभी सेल ऑर्गन्स होते क्या हैं, अभी ये स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कब भैया, तो हम लोग पढ़ रहे होंगे कब 5.2.5 में हम लोग कवर कर रहे होंगे। हम लोग आगे देखेंगे सेल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, चार पांच हमारे बुक में दे रखे हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिर दूसरे पॉइंट में उसने लिखा है क्या भाई, मैंने जब भी क्या किया माइक्रोस्कोप के नीचे, जब भी सेल देखा तो हर सेल में ना कुछ कॉमन चीज़ें देख रही थी, वही मुझे पढ़नी है। तो कॉमन चीज़ें क्या क्या थी, तीन फंक्शनल यूनिट दिखी मुझे। पहला क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा, फिर न्यूक्लियस दिखा, फिर बोलो साइटोप्लाज्मा दिखा। तो भैया ने आपके लिए ऐसा बनाया था सेल, इसमें क्या था, मैंने बताया भी था आपको कि भाई ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जितना भी येलो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्मा है, और ये जो ब्लैक वाली बाउंड्री दिख रही है असली में ऐसे ही बोलो तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये छोटा सा मैंने एक मतलब आपके लिए 3D बना दिया था कि आपको समझाने के लिए हो जाएगा आसान। और जो इसमें अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम लोग सेल ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गन्स बाद में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इधर दिखा दिखा के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे, है ना, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी को देख तो सकते नहीं, हमारे पास माइक्रोस्कोप है नहीं। तो यही था यार इस छोटे से टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँगा, जो हमारा ये टॉपिक है कौन सा 5.2.1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसमें तीन प्रोसेस हैं, तीन चीज़ें हैं जो भी बोलो, है ना, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक्टिविटी कोशिश करूँगा, एक्टिविटी भी आपको समझा पाऊँगा तो समझा दूँगा डेमोन्स्ट्रेट करके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सीरीज आ रही है, मैं कोशिश करूँगा, मैथ्स के लेक्चर जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।